Yeah, I know. You tell me. See, that's not the point. I need my space, my freedom as well. Well, you know me. I simply can't do that. Listen, you just find out for me if they gave me a clearance yet. They just busted me for something that happened a year ago. No, I don't want to involve you or anything. I'm just... Yeah, all right. Okay, bye. Yes? Reema ma'am. Yeah? Ji. Hello ma'am. Mera naam Farhan hai. Main Rajkot se aaya hoon. If I'm not wrong, you are looking for a tenant, right? Aapko kaise pata chala? Ma'am, main kal hi Mumbai aaya hoon. Subah online dusri jagah rehne ke liye jum raha tha. तो वही आपका नंबर देखा पर मेरा एड्रेस कैसे मिला मैंने तो वहां कोई एड्रेस नहीं दिया मैम आपका नाम और नंबर मैंने गूगल में डाला और दूसरे वेबसाइट से फिर आपका एड्रेस मिल गया बट ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको कॉल कर लेना चाहिए था यहां आने से पहले हां मैम वो एक्चुअली वो एक अलग कहानी है एक ग्लास पानी मिल सकता है मैम Okay. Shoes.
बैठिए। ये लीजिए। थैंक यू। आपने अपना नाम क्या बताया था? जी फरहान, फरहान अली। माफ कीजिए, आप मुस्लिम हैं? जी जी हाँ, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं है, पर मेरी सोसाइटी को हो सकती है। क्यों? क्या क्यों? कोई हिंदू लड़का तुम्हारे घर रहने चला जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे क्या? ये तो मुंबई शहर है, मेरे पेरेंट्स तो शहर में भी नहीं रहते और थोड़े पुराने ख्यालातों के भी हैं। इसमें नए पुराने की क्या बात है? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी वी आर नॉट यूज्ड टू ट्रस्टिंग ईच अदर, राइट? और जिस तरह से तुम यहाँ आ गए हो अपना सामान वगैरह उठाकर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, आई हैव टू टेक प्रिकॉशंस। मैम एक्चुअली क्या हुआ कि कल मेरा ट्रेन में फ़ोन खो गया, जिस होटल में था वहाँ पे भी नहीं कर पाया। पता नहीं एक के बाद एक गलतियाँ होती जा रही हैं। गलतियाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए मैम, रात को मेरा फ़ोन खो गया, मुझे नया फ़ोन लेना है, नया सिम कार्ड लेना है, उसके लिए एक रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट तो चाहिए होगा। जब तक फ़ोन नहीं ले पा रहा हूँ तब तक अपने आपू को फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे बट फोन बूथ्स होते हैं ना? मैम मैंने सोचा था कि मैं फोन कर लूँ, फोन बूथ ढूंढ कर, लेकिन मुंबई में कोई फोन बूथ ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? अभी चलो, मेरे घर के सामने ही दो बूथ्स हैं। मैम वो खैर छोड़ो, तुम होटल में कैसे रहने गए? मैम 500-600 रुपए थे मेरे वॉलेट में, मैंने वही एडवांस पे कर दिया। उनका जो भी एक नाइट का टैरिफ था उससे कम था, इसलिए मुझे वहाँ से छुपकर सुबह निकलना पड़ा। छुपकर? You have any ID? Can I see it? हाँ मैम, ID तो है, बिना ID के तो होटल में रह ही नहीं सकते आजकल। ये वोटर आई कार्ड है मेरा। एक्चुअली मैम मैंने कुछ लोगों से फ़ोन मांगा कि मैं कॉल कर लेता हूँ, लेकिन किसी ने दिया ही नहीं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज थे। मैम मुझे रूम की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, पैसे नहीं है, तुमने इंटरनेट कैसे एक्सेस किया? मैम वो होटल का एक कैफ़े था, एक्चुअली मैं होटल में एंट्री कर रहा था ना रात को, तभी मैंने प्लान बना लिया था कि सुबह जो है कैफ़े से ऑनलाइन दूसरी जगह ढूंढ लूँगा और फिर कैफ़े का जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ से चुपचाप निकल जाऊँगा। दिस इज ऑल्सो बिजार, आई मीन वाई शुड आई बिलीव यू? कैन आई सी योर लगेज? क्या है इसके अंदर? जी मैं वो, इसमें तो कपड़े हैं और इसमें कुछ किताबें हैं। ठीक है, खोलो मत, रहने दो रहने दो। तुम एक काम करो, पहले कमरा देख लो, क्या पता तुम रह भी पाओगे या नहीं। नहीं मैम उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस रहने के लिए जगह चाहिए। नहीं हो सके तो आज वहाँ पर भगवान है। भगवान? हाँ मतलब तस्वीरें जो हम हिंदू लोग पूजा करते हैं ना, वो मेरे नहीं है, पहले जो यहाँ रहते थे वही यहाँ छोड़ गए। ओह मैं तो इससे बुरा ही कुछ सोच रहा था। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चलेगा कैसा भी रूम हो, मुझे रहना है बस, मुझे बस रहने की जगह चाहिए। मूर्ति है, तस्वीर है, कुछ भी चलेगा। लुक इट्स रियली हार्ड बिलीविंग योर स्टोरी। ठीक है मैम मैं फिर चलता हूँ।
Listen. Wait. See. Don't rush things like this. देखो ये सब बहुत अचानक हो रहा है तो मेरे लिए इतना इजी नहीं है ओके यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस आई एम सॉरी मैम एक्चुअली मैम मैं इतना उलझा हूँ अपनी परेशानियों में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है काम क्या करते हो मतलब मुंबई क्यों आए हो मैम मुंबई कोई क्यों आता है ऐसा कोई जनरल एजेंडा तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है मैम मुझे एक्टिंग करनी है मैं राजकोट में भी थिएटर करता था वहाँ पर भी मैं फिर से वही एक्टिंग का कीड़ा तुम लोग कुछ और नहीं कर सकते क्या कितनी सारी लाइनें हैं मतलब मैम आई एम सॉरी मुझे नहीं पता और क्या क्या मुझे एक्टिंग करनी थी जो सीखना था इसलिए मैं मुंबई आया ओके आई एम सॉरी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी पैसे भेजेंगे तो कोई डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट है तुम्हारे पास हाँ मैम वो सब है एक्चुअली मेरे अब्बू ना थोड़े स्ट्रिक्ट हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा इतना बजट है और तुम्हें इतने खर्च करने हैं आई वंडर वो कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अपना फोन भी खो दिया है पता नहीं अब तक तो उनको पता चल गया होगा मैंने कल से फोन भी नहीं किया है वो भी ट्राई कर रहे होंगे मैम मैं आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ क्या हाँ श्योर बट व्हाई डोंट यू सी द रूम फर्स्ट कम नहीं उसकी जरूरत नहीं है मैम देखो वो बेड है और ये वही तस्वीरें हैं जो मैं कह रही थी ना और ये कवर्ड है जो तुम यूज कर सकते हो वहां बालकनी का दरवाजा है वो वाला यू कैन एक्सेस द बालकनी फरहान तुम देखो मैं आ रही हूं मेरा फोन बज रहा है हेलो Yeah, speaking. हाँ या हाँ मैं घर पे ही हूँ अभी ठीक है लिखिए 708 Kingfisher Apartments See, the landmark is, it's next to the game shop. It's called Gotham City. हाँ, वही. 5 minutes. Hello? 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 क्या हुआ मैम? कोई problem है? Yeah. No, actually somebody called. वो room देखने आना चाहता है. तो आई थिंक आई शुड लीव देन ये सब लगेज लेकर मैम मुझे शेयर करके रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा ही होगा मेरा रेंट हाफ हो जाएगा नो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल फिर तो मैम मुझे निकलना चाहिए आप कुछ कंफर्म बता भी नहीं रही हैं मैं रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ एटलीस्ट मैं कोई दूसरी जगह कोई दूसरा रूम ढूंढ लूंगा थोड़ा टाइम बचेगा मेरा नहीं आई मीन पता नहीं इतना सब कुछ जल्दी कैसे हो जाता है ये अभी 5 ही मिनट में आ रहा है ये आसपास कहीं होगा मैम वो या ही सेड दैट बट हाउ डज थिंग्स वर्क सो फास्ट I mean, even brokers take 2 days' time. मुझे चलना चाहिए अब नहीं ये जो the guy who called, उसने कहा उसका नाम मानस अग्रवाल है इसका मतलब है कि वो हिंदू है अगर मैं उससे कहूँगी कि तुम
तुम्हारे साथ रूम शेयर करना है तो आई थिंक वो भाग जाएगा। मेरे साथ मतलब मैं मुस्लिम हूँ इसलिए स्ट्रेंज आई कांट बिलीव दिस कि मुंबई शहर में ऐसा हो रहा है। मतलब रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट कब से हो गया मैम? मतलब क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हारा बॉस तुमसे कहे कि भाई नौकरी पे रखता हूँ चलो अपना नाम बदल दो तुम क्या करोगे? मैम नाम तो आइडेंटिटी का मैटर हुआ ना, रिलीजन कहाँ से आ गया इसमें? भाई रिलीजन इज अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी। खैर ये सब डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लिए देखो मुझे फिर भी परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी सोसाइटी से। ठीक है मैम, आई थिंक आई शुड लीव। नहीं तुम बैठो, आई थिंक आई विल गो एंड फ्रेशन अप अ बिट। पता नहीं और कितने लोग घर देखने आ जाए। तुम्हें भूख लगी है क्या? आई मीन आई कैन ऑफर यू समथिंग टू ईट। दैट वुड बी ग्रेट मैम, एक्चुअली कल से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं वेट, मैंने सोचा कि पहले रहने की जगह कंफर्म हो जाए उसके बाद कुछ। ये लो आओ। थैंक यू। खा। मैम आर यू श्योर मैं यहाँ रह सकता हूँ? नो आई एम नॉट श्योर। फरहान मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्टोरी में काफी लूप होल है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम फोन कैसे खरीदोगे? आई कैन बोरो योर फोन और बोरो सम मनी फ्रॉम यू। फ्रॉम मी? अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं अपना कमरा किराए पे देती? तो मैम आपका फोन दीजिए ना, मैं आपके फोन से अब्बू को फोन करूंगा तो वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाल देंगे। ओके फाइन लो। हाँ हाँ आ रही हूँ। रीमा जी मानस अग्रवाल फोन पे भी बात हुई थी रूम के लिए। या प्लीज कम इन। मेरा ऑफिस यहाँ से बिल्कुल पास है। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन ऐड देखा तो मुझे लगा कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं तुरंत आ गया। पर मुझे तो लगा था कि आप अकेले रहते हो। हाँ ये उसी ऐड से आया है। तो आपने बताया क्यों नहीं कि आपको टेनेंट मिल गया है? आपने बोलने का मौका कब दिया? हाँ मैं जल्दी में था कोई और ना आ जाए। एनीवे आप कितने रूम दे रही है? देखिए आम ओके भी इधर है क्या? मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा और मैं अच्छे से रह सकता हूँ। एक्सक्यूज मी मैं एक ही रूम दे रही हूँ। बट द थिंग इज यू मे हैव टू शेयर इट विद समबडी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बंदा स्मोक ना करे, ड्रिंक ना करे और नॉनवेज ना खाए। वैसे भी आप तो मराठी है, आप तो नॉनवेज खाती नहीं होंगी। मेरा और आपका फूड सिमिलर होगा। जी नहीं मैं नॉनवेज जी वो मराठी ब्राह्मण होते हैं जो वेज खाते हैं। ओके ओके कोई बात नहीं है, मैं अपना खाना खुद से बना लूंगा। और आप? मैं फरहान अली राजकोट से। फरहान मुस्लिम है सो यू मे हैव प्रॉब्लम्स। बट मुझे वेज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक मिनट तो क्या आप ये चाहती हैं मैं इनके साथ रूम शेयर करूं? या ऑफ कोर्स बट
अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो मजा आएगा, पर पहले रूम देख लो। आर यू श्योर आप इनके साथ शेयर कर पाएंगे? एक कमरा है, एक खिड़की। मैम आप एक बार उनको दिखा दीजिए। क्यों यहाँ से दूर है क्या? नहीं यही वाला है, लाइट्स आर ऑन, आप खुद ही चेक करिए। तो मैं एक बार देख के आता हूँ। एक्सक्यूज मी, and I heard what you said about me. Thank you very much. अगर मैं आपके बारे में अबू से नहीं बोलता ना ऐसे, तो अकाउंट में पैसे इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा ढूंढना पड़ा। आपका रूम तो बहुत अच्छा लगा, पर सबसे अच्छी बात है कि आपने जो गुरुजी की जो फोटो लगा रखी है। और एक बात बोलूं, वो फोटो गलत जगह पर रखी हुई है। अगर वो शीशे में होती तो ज्यादा अच्छा। It belongs to the previous tenant. वो ही यहाँ छोड़ गया है। वैसे भी मैं तो एक साल से उस कमरे के अंदर ही नहीं गई। ओके कोई बात नहीं, तो फिर मैं कब शिफ्ट हो सकता हूँ? हमने अभी डिसाइड कहाँ किया है। मतलब आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बोले तो मैं डिपॉजिट अभी दे देता हूँ और कल अपना सारा सामान लेकर के आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। ओह गॉड प्लीज डोंट रश थिंग्स लाइक दिस। देखिए देयर आर अदर थिंग्स दैट आई नीड टू शेयर, मुझे और भी चीजें बोलनी है। I'm not comfortable कि दो लोग यहाँ आ रहे हैं मेरे घर के अंदर। I've had bad experiences. ऐसा क्या हो गया? मतलब हम दोनों मैच्योर हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पहले पहली बात यह है कि कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट नहीं होगा वो 11 महीने। What एग्रीमेंट नहीं होगा? What do you mean? ये तो इलीगल है। आप टैक्स बचा रही हैं। एक्चुअली पहले दो लड़के यहाँ रहते थे, दोनों एक्टर्स थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों के बीच, पता नहीं क्या। मैं तो हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी, कभी उनकी लाइफ्स में इंटरफेयर नहीं किया। बट बहुत बुरा हादसा हो गया। दोनों एक ही शहर से थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर दोनों में से एक ने एक फिल्म साइन की, पता चला वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। फिर वन गाय पॉइजन द अदर गाय, और वो मर गया। सो यू सी ऑल दीस नैस्टी थिंग्स हैव हैपेंड इन माय हाउस, माय सोसाइटी हैज कंप्लीटली बैंड मी। Brokers don't even show my house. हालांकि ये एक साल पुरानी बात है, पुलिस आई थी, इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, इसीलिए मैंने वो ऑनलाइन एड डाला ताकि इन लोगों को पता ना चले। पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसका क्या हुआ? मर गया इसी कमरे में। वो पिक्चर्स जो आप लोगों ने देखी है उसी की है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दूसरे बंदे की बात कर रहा हूँ। उसका क्या हुआ? नहीं वो तो जेल में है, सजा काट रहा है। और आप मुझ पे शक कर रहे हैं? देखो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ये जरूरी नहीं समझा था कि ये सारी चीजें शेयर करूं, पर अब जब मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, आई हैव टू रेंट दिस प्लेस। सो इसीलिए ये अभी अभी मुंबई आया है और उसके
पैसे खत्म हो गए हैं, उसका फोन खो गया है, पर अब प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपके आने से पहले हमने वो सॉर्ट कर लिया. देखो जैसा मैंने कहा, आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट टू पीपल स्टेज अंडर वन रूफ. मतलब हाउसिंग सोसाइटी से मुस्लिम को रखने की परमिशन के बाद जो आप पेरेंट थे वो सच नहीं? Not exactly. I still have to ask my friends. Farhan, it's not about your religion, really. जिस तरह से तुम बिना फोन किए अचानक सुबह चले आए, अपना सामान लेके आ गए, मैं डर गई थी. मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होएगा. मैं रहूंगा दोनों ऑफिस में, बस रात में सोने के लिए आऊंगा और शायद सब नहीं रहूं. काम क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ. कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ फिल्मी नहीं है, मुझे बहुत मजा आता है. और आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स को मुझे काफी टाइम मिल गया. मुझे मेरे चाचा जी ने पाला पोसा बड़ा किया, अब वो वहाँ पर रहते हैं. देखिए मुझे लगता है आप दोनों आपस में थोड़ी बातचीत कर लीजिए एंड डिसाइड कर लीजिए कि दोनों में से कौन एक जन यहाँ रहेगा. किसे ज्यादा जरूरत है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ. मेरी तो अब से बात हो गई है, मैंने उनको बता भी दिया कि मुझे जगह मिली. उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं शेयरिंग कर रहा हूँ. ट्रस्ट मी, मैं बहुत सही बंदा हूँ, यकीन कीजिए. मैं मेरे साथ लोग बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं. तो डोंट वरी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. देखिए आई स्टिल नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए टू डिसाइड. अकाउंट में तो पैसे सुबह तक आ ही जाएंगे, आज रात की बात है मेरे लिए. कल सुबह कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा. मैं चलता हूँ, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है. और वैसे भी आप तो हम दोनों से मुझमें बड़ी हैं, आप जो भी डिसाइड करेंगी अच्छा करेंगी. पर मुझे लगता है कि हम तीनों के लिए फायदेमंद यही होगा कि हम दोनों आपके यहाँ रहें. बाकी आपको मर्जी है. नहीं, मैं सोचा था कि आप भी दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, मुझे भी रहने के लिए जगह चाहिए. तो उससे पहले अगर आपको जगह मिल जाए तो कहने शिफ्ट पे दियो. ऑफिस से ये मेरा कार्ड है. थैंक यू. मैं ये भी सोच रहा था कि अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या आज रात मैं आपको रख सकता हूँ? मतलब मेरे पास सचमुच रहने की जगह नहीं है, तो अगर आपको परेशानी ना हो. पर मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, क्या तुम ये सारा सामान लेके जा सकते हो? हाँ, कोई परेशानी नहीं है, मैं इतना भी नहीं थका. वो तो मैं देख ही रहा हूँ. चलो थैंक यू. ठीक है मैम, आप भी मेरा कार्ड रख लीजिए. आप जब भी डिसाइड कर लो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा. पर एक बात बोलो मैम, सिर्फ एक बंदे की बेवकूफी की वजह से बाकी की दुनिया नहीं रुक जाती? अरे मैं उठा लेता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई बात नहीं, दे दो मुझे. Thank you.
मैं रीमा बोल रही हूँ, रीमा मांजरेकर। अभी तुम आए थे? हाँ मानस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट तुम वापस आ जाओ। हाँ हाँ तुम दोनों मेरे घर में रह सकते हो।